हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइटन की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच टाइटन इवोक 1.43 एमोलेड डिस्प्ले विद सिंगल सिंक्रोनाइजेशन। यानी सिंगल सिंक्रोनाइजेशन है, इसमें एक ही मैक एड्रेस के साथ आप नोटिफिकेशन फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है इसमें। तो हम करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग से पहले बता देते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टाइटन स्मार्ट इवोक वॉच की डिस्प्ले दी हुई है, साथ ही 1.43 एमोलेड डिस्प्ले सिंगल सिंक्रोनाइजिंग ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद आता है 460 PPI डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिस्प्ले होती है, आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छी इसकी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। 1000 निट्स ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस की क्वालिटी भी आपको इसमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है टाइटन की इस वॉच में। इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर, जो कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों के साथ ही कंबाइंड देखने को मिलता है, और ये फीचर थोड़ा सा बैटरी को काफ़ी कंज्यूम करता है। यानी अगर आपकी 5 डेज़ की बैटरी लाइफ है, तो इसकी जो कंज्यूमिंग है इसको ऑन करने के बाद 1 दिन से लेकर 2 दिन की बैटरी लाइफ हो जाती है। अगर आप इस फीचर को बंद रखते हैं और ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को ऑन कर लेते हैं, तो उसके साथ 3 to 4 डेज़ की बैटरी लाइफ हो जाती है, और नॉर्मल जो है आपको 5 डेज़ की इसमें बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। 100+ वॉच फेसेस है एंड 60+ मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। साइड पे आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है 90172AL01। ये AL01, AP01, AM01 तीन डिफरेंट सेगमेंट में आता है। AL यानी अल्मीनियम विद लेदर, AP यानी अल्मीनियम विद प्लास्टिक, AM यानी अल्मीनियम विद मेटल। तो आपको ये जो मेरे सामने अभी अवेलेबल है, ये लेदर के साथ है और बहुत ही खूबसूरत लेदर इसमें डिज़ाइन किया गया है। इसका MRP आपको 12,495 देखने को मिलता है, और जो इसकी सेल प्राइस है वो 9,495 है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, वॉच हेड कलर रोज गोल्ड है, स्ट्रैप कलर ब्राउन है, मटेरियल लेदर में है। इसके अलावा जो इसके लिए एप्लीकेशन है, टाइटन स्मार्ट वर्ड ऐप है, जो कि गूगल एंड ऐप स्टोर दोनों पे ही मिल जाएगी। बैटरी की कैपेसिटी मेंशन की है, 300 mAh बैटरी है, अप टू 5 डेज़ की बैटरी लाइफ है। जो वाटर रेसिस्टेंट है, IP68 देखने को मिलता है। ब्लूटूथ का वर्जन मेंशन है, और iOS किस वर्जन के लिए कंपेटेबल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा पैकेज में आपको स्मार्ट वॉच, चार्जिंग केबल, क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। तो अभी करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको, जैसे कि बॉक्स के बाहर मेंशन था, कॉपर के साथ आर्टिकल देखने को मिलता है ब्राउन लेदर में। ब्राउन लेदर इसको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डेटा केबल आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको मैग्नेटिक पॉइंट देखने को मिल जाता है। और मैं एक बात बता दूँ कि इसकी वारंटी नहीं होती, तो आपको इसको थोड़ा सा केयरिंग के साथ यूज़ करना होता है। वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। आजकल जो वारंटी होती है टाइटन की, वो ऑनलाइन वारंटी होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हाउ टू रजिस्टर फॉर योर ई वारंटी। तो इसके लिए वेबसाइट पे विजिट करना है, या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करके QR कोड को स्कैन करके आप AP जनरेट करके आप इस वॉच की जो बैक साइड पे आपको 17-digit प्रोडक्ट ID देखने को मिलेगी, या फिर जो इसके साथ अटैच टैग है, टैग के ऊपर प्रोडक्ट ID देखने को मिलती है, वो प्रोडक्ट ID एंटर करने पे आपकी ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसका प्रोसेस भी मैं जल्दी अपनी वीडियो में दूंगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एक मैनुअल, मैनुअल के ऊपर मेंशन किया होता है कैसे आपने स्ट्रैप को अटैच करना है, कैसे उसको रिमूव करना है, प्लस QR कोड को कैसे स्कैन करना है। तो ये सब जानकारी देखने को मिल जाती है इसमें। कोई अगर आपको किसी तरह का क्यूरीज होता है, तो आपने इसकी customercare@titan.co.in पे कंप्लेंट बुक करवा सकते हैं। तो गाइस, अब हम जाते हैं वॉच के ऊपर। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया, कि एक बहुत खूबसूरत लेदर देखने को मिलता है। लेदर का बक्कल भी आपको कॉपर कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे बेल लेदर के ऊपर मेंशन किया हुआ है जेन्युइन लेदर है, 22 mm का साइज़ है इसका, और यहाँ से रिमूवेबल है। आप इसे ईजिली रिमूव करके कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैप अटैच करना है वो कर सकते हैं। टाइटन का लोगो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टाइटन भी मेंशन किया हुआ है लेदर के ऊपर। जेन्युइन लेदर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अप्रोक्सीमेट अगर रेंज होगी तो 1000+ होगी। इसके अलावा टैग, जैसे कि मैंने टैग का बताया था कि आपने अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ये टैग को यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद ये प्रोडक्ट ID को
पिकअप कर लेगा ऑनलाइन, एंड आपकी वॉच आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है, वॉच आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी ऑनलाइन। बैक साइड पे आपको यहाँ पे यूनिक कोड देखने को मिल जाता है, ये यूनिक कोड भी आप एंटर करके अपनी वॉच को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। एल्युमिनियम केस मेंशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AL लिखा हुआ है, एल्युमिनियम विद लेदर, मेड इन PRC है, यानी कि ये एक चाइना का जो मेन पॉइंट होता है वहाँ पे इनकी लोकेशन है। और IP68 देखने को मिल जाता है, मॉडल नंबर 90172, टाइटन एंड टाइटन का लोगो। इसके अलावा पार्ट्स के कोड और उसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आपको दो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ये मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं जिसमें आपको चार्जिंग करना होता है, और इसके बीच में माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ से आपको इस साइड पे दो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, अगर हम बात करें केस के जो कलर की क्वालिटी है मैट फिनिश में दी गई है, लेकिन एकदम आपको ग्लोसी लुक देखने को मिल जाएगी, पर है मैट में। और इसमें जो क्राउन दिया गया है, ये क्राउन भी वर्किंग में है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम क्राउन को प्रेस करते हैं, ये इसकी फर्स्ट लुक है, यहाँ से क्राउन की मूवमेंट आप देख सकते हैं। इसमें इनबिल्ट दो वॉलपेपर हैं, ये थर्ड मैंने इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, यानी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ है। डाउन स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है लिफ्ट टू रिस्ट व्यू, तो यहाँ से आप लिफ्ट टू रिस्ट व्यू फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा अपर पोर्शन पे आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और टाइम है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी का पॉइंट है कि वॉच कनेक्टेड है या नहीं, डिस्कनेक्ट है वो भी आपको दिखाई दे जाता है। इसके बाद यहाँ से ब्लूटूथ कॉलिंग का है, ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल मैक एड्रेस के साथ ही ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर वर्कआउट करता है, लेकिन हाँ अगर आपने वॉच को नोटिफिकेशन में शिफ्ट करना है तो यहाँ से ये फ़ोन फीचर को बंद कर दीजिए, फ़ोन फीचर ऑन कर दिया तो कॉलिंग फीचर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप ऑफ कर दिया तो नॉर्मल वॉच में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे नोटिफिकेशन वाली वॉच होती है। इसके अलावा यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब फीचर देखने को मिल जाता है। SOS में मैंने इसको रीड किया था कि आप एक फैमिली मेम्बर का नंबर ऐड कर सकते हैं SOS में, या फिर आप कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो इस नंबर पे आप यहाँ से आप जस्ट कॉल प्रेस करेंगे तो कॉल हो जाएगी उसी नंबर पे, ताकि कोई इमरजेंसी केस में ये वर्कआउट करता है। इसके बाद आता है ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए इसकी हाई ब्राइटनेस है, काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, मोबाइल में इतना ज़्यादा आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में सबसे पहले आता है वॉच फेसेस, तो जहाँ से आप वॉच फेसेस को जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, इधर वहाँ से भी जाने मैंने आपको बताया डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके बाद है थीम, थीम में आप लिस्ट रखना चाहते हैं या फ्लोट मेन्यू रखना चाहते हैं, फ्लोट मेन्यू में आपको जस्ट ऐसा देखने को मिल जाता है, और लिस्ट में आपको जो इसकी लिस्ट है थीम में, ये देखिए लिस्ट ऐसे देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ थीम का, थीम के बाद ब्राइटनेस का आगे बता दिया मैंने। स्क्रीन टाइम आउट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, स्क्रीन टाइम जितना आप सेट करना चाहें, जैसे कि मैं 15 सेकंड का कर देता हूं क्योंकि वर्किंग करनी है मुझे अभी। इसके बाद अबाउट में आपको सिंगल मैक एड्रेस देखने को मिलेगा, फर्मवेयर वर्जन देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी मैंने वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसलिए आपको कनेक्टिविटी ऑन दिखाई दे रही है, इधर QR कोड दिखाई देता है। इसके बाद आता है पावर ऑफ, तो यहाँ से आप वॉच को पावर ऑफ करेंगे तो वॉच स्विच ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रहा है फर्मवेयर का, जो ये फर्मवेयर आया था, इस फर्मवेयर में फर्मवेयर अपडेट करने के बाद वॉच पावर ऑफ नहीं होती है, ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो जाती है। तो कंपनी एंड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट जो इसका अपडेट आएगा तो उस अपडेट में ये जो इशू है स्विच ऑफ वाला, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा और पावर ऑफ बटन वर्किंग करना शुरू कर देगा, ऐसा हमें टेक्निकल टीम ने बताया। देन आता है रीसेट, रीसेट को आप यहाँ से प्रेस करेंगे, यस करते ही रीसेट हो जाएगी वॉच। QR कोड, यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करेंगे और एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है साउंड फीचर में आपको वाइब्रेशन, मीडिया ऑडियो जो भी आप ऑन करना चाहें, कॉल रिंगटोन अगर रखना चाहते हैं ठीक है, अदर साउंड में आपको जैसे कि दिस मोड टर्न ऑफ साउंड फॉर अलार्म रिमाइंडर एंड अलर्ट्स,
तो ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। देन आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बाहर से बता दिया था, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद लिफ्ट टू वेस्ट, देन आता है एओडी। एओडी में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद हम डिजिटल क्लॉक को यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिजिटल क्लॉक को जैसे सेट करेंगे, यहाँ पे लिखा आ गया कि ये बैटरी को काफ़ी कंज्यूम करता है, तो भाई अगर हमने यूज़ करना है फीचर तो करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं हमें रोक सकता, पैसे खर्च कर रहे हैं भाई। तो मैं इसको 5 सेकंड का कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी शो हो जाए। जैसे ही मैंने 5 सेकंड का उसमें इंटरवल सेट किया, आपको ऑलवेज डिस्प्ले ऑन में देखने को मिल जाता है, बहुत ही क्लियर है। ये देखिए अभी मैंने दूसरा लगा दिया, आपको एनालॉग में भी अच्छी लुक देखने को मिल जाती है। अब हम चेक करते हैं लिफ्ट टू रिस्ट फीचर, तो ये देखिए लिफ्ट टू रिस्ट फीचर भी इसमें प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। पहली वॉचेज में आता था कि लिफ्ट टू रिस्ट फीचर इसमें वर्कआउट नहीं करता था अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, मेरे पास वैसे बहुत कम बैटरी पड़ी हुई है। स्क्रीन टाइम आउट भी बढ़ा देते हैं भाई, काम भी करना हमें। तो ये सेटिंग्स वाला फीचर तो हो गया डन। अब हम करते हैं लेफ्ट, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कितने स्टेप आपने चले हैं, कितने किलोमीटर्स आप चले हैं और कितनी कैलोरी आपकी बर्न हुई है, ये वेयरिंग के बाद ही कंफर्म्ड होता है। इसके बाद आता है हार्ट रेट फीचर, तो हार्ट रेट फीचर को आपने वॉच को वेयर किया होगा तो ही प्रॉपरली ये वर्कआउट करता है और ये आपको शो करता है कि आपकी डेली दिन में जो हार्ट रेट अप कितनी गई है और डाउन कितनी गई है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन मोनीटर, तो यहाँ से मेयर करेंगे तो मेयर हो जाएगा। इसके बाद आता है नींद का, यानी आप कितनी देर सोते हैं, डीपली लाइटली अवेक रैम वेंट टू बेड वेकअप, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट में आजकल जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है उसमें आपको प्रॉपर विद इन वीक का जो वेदर होता है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। देन हम करेंगे राइट व्यू, राइट व्यू पे आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आता है माई फिटनेस, माई फिटनेस में मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स मोड, मल्टी स्पोर्ट्स मोड में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं किसी एक को रन करता हूँ आउटडोर रनिंग। अब मैंने इसको रन कर लिया, अब ये देखिए मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये कितने स्टेप चले, कितनी कैलोरी बर्न हुई, ये सब यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि सिर्फ हार्ट रेट शो कर रहा है, स्टेप कोई नहीं चला, कैलरी कोई बर्न नहीं हुई। कई कस्टमर कहते हैं कि ये बिना उसके भी चल पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब तो ये तो होगी मल्टी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट्स रिकॉर्ड आपने रन किए होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। देन आता है फ़ोन फीचर, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हार्ट रेट, वो भी आपको बता दिया। स्लीपिंग SpO2, देन आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस मेयरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल है तो यहाँ से चेक हो जाता है। तो हम ये चेक करेंगे बाद में, क्योंकि मेरे को तो स्ट्रेस अभी नहीं है, आई एम नॉट, मूड मेरा वैसे ख़राब रहता है तो मूड चेक करने की ज़रूरत है क्या, देख लेते हैं मूड क्या कहता है। तो ये देखिए मूड में आया पीसफुल, मतलब ये रिपोर्ट मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि मेरा मन तो शांत है, तो इसमें शांतिपूर्वक कैसा आ गया। इसके बाद आता ब्रीथ, यहाँ से आप 2 मिनट की एक्सरसाइज काम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, कितनी देर की करनी, फास्ट करना है, स्लो करना है, ये सब आप यहाँ से सेट करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से रनिंग हो जाएगी। अब आता है SOS फीचर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू शुड इनेबल दिस फीचर फ्रॉम एप्लीकेशन। देन आता है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे फैमिली नोटिफिकेशन हैं। देन आता है वेदर, वेदर 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 के बाद आता है म्यूज़िक, तो आप यहाँ से म्यूज़िक को प्ले करेंगे तो मोबाइल पे म्यूज़िक प्ले होगा और उसी में से साउंड आएगा, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप वॉच, यहाँ से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से स्टॉप होगी, यहाँ से होगी रीसेट। देन आता है अलार्म,
अलार्म आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और 10 अलार्म आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जितने बजे का आपको रखना है रख दीजिए, वीकली रखना है, डेली रखना है, यहाँ से आप रख के सेट कर दीजिए। देन अलार्म के बाद आ गया टाइमर फीचर, भाई भागता ही बड़ा है। टाइमर फीचर कितने मिनट का रखना है, तो ये आपने रन कर दिया, स्टॉप कर दिया, रीसेट कर दिया। इसके बाद आ गया टाइमर के बाद फ़ोन फाइंडिंग, देन आता है फ्लैश। फ़ोन फाइंडिंग तो एप्लीकेशन के साथ कनेक्टिविटी के बाद वर्कआउट करता है। इसके बाद फ्लैश है, देन आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से यहाँ से हम प्लस करके देख लेते हैं, 2 प्लस 2 कितने होते हैं, वेरी गुड 4। तो यहाँ से मेरे को इतना ही आता है 4 तक का ही। इसके बाद आता है वॉइस असिस्टेंट, तो ये फीचर भी कनेक्टिविटी के बाद में वर्कआउट करता है। इसके बाद है गेम्स, तो वाओ इसमें बर्ड गेम है, तो यहाँ से हम बर्ड गेम को टिंग लिक लिक भाई आउट नहीं होना, ओवर। देन गेम के बाद आ गया पास कोड, जो कि अभी इसमें सबसे लेटेस्ट फीचर है। तो पास कोड पर हम जाएंगे, यहाँ से पास कोड सिक्योरिटी फीचर जो है इसको ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आपको पासवर्ड के लिए आ रहा है 1 2 3 4, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं सेट कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, कंफर्म भी करना होता है 1 2 3 4। तो ये पासवर्ड सेट हो गया, अब हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं इसको, और देखना लॉक करने के बाद वर्कआउट करती है नहीं। तो पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से वर्कआउट होगी। इसके बाद आपको सेटिंग इसी में भी आपको देखने को मिल जाता है पासकोड में चेंज पासकोड, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं करंट पासवर्ड को। और अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप पासकोड को रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वॉच भी रीसेट हो जाएगी कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में, और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब स्लाइड करने पर आपको नोटिफिकेशन फीचर देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको सभी फीचर्स के बारे में गाइडेंस दे दी। अब वियरिंग के बाद देखिए आपको इसकी लुक कैसे देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत लुक में देखने को मिल रहा है ये वॉच। तो आपको अगर ये वॉच परचेज़ करना है तो टाइटन की वेबसाइट से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, और अगर मेरे को गिफ्ट करना है तो आप मेरे को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर यहाँ पर मैंशन किया हुआ है।